लेक टंडन ने साल 1962 में मूवी प्रोफेसर से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, परवीन चौधरी, कल्पना मोहन, ललिता पवार, टुनटुन और राशिद खान शामिल थे। ये एक म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1966 में इनकी अगली मूवी आई आम्रपाली। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, वैजयंती माला, माधुरी, प्रेमनाथ और के एन सिंह शामिल थे। ये एक म्यूजिकल फैंटेसी मूवी थी। इस मूवी का बजट 70 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 70 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1968 में इनकी अगली मूवी आई झुक गया आसमान। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, राजेंद्र नाथ, प्रेम चोपड़ा और दुर्गा खोटे शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 55 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 78 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1969 में इनकी अगली मूवी आई जहां प्यार मिले। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, हेमा मालिनी, हेलन, नासिर हुसैन और जीवनधर शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फैमिली मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1969 में ही इनकी अगली मूवी आई प्रिंस। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, वैजयंती माला, लीला मिश्रा, हेलन, अजीत और राजेंद्र नाथ शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 65 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1975 में इनकी अगली मूवी आई आंदोलन। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश पांडे, नीतू सिंह, अपर्णा चौधरी, नाजनीन, पिंचू कपूर और अजीत सिंह देवल शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1977 में इनकी अगली मूवी आई दुल्हन वही जो पियामन भाई। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रेम किशन, रामेश्वरी, लीला मिश्रा, मदनपुरी और इफ्तिखार शामिल थे। ये एक म्यूजिकल फैमिली ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 80 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1980 में इनकी अगली मूवी आई एक बार कहो। इस मूवी के लीड कास्ट में नवीन निश्चल, शवाना आजमी, अनिल कपूर, सुरेश ओबेराय और किरण वेराले शामिल थे। ये एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1981 में इनकी अगली मूवी आई खुदा कसम। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, टीना मुनीम, शक्ति कपूर, प्राण और अजीत शामिल थे। ये एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 70 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1981 में ही इनकी अगली मूवी आई शारदा। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, रामेश्वरी, सारिका ठाकुर, राज बब्बर, ओम प्रकाश और मदनपुरी शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1983 में इनकी अगली मूवी आई अगर तुम ना होते। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, रेखा, राज बब्बर, असरानी और मदनपुरी शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी।
इस मूवी का बजट 1,90,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,90,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1983 में ही इनकी अगली मूवी आई दूसरी दुल्हन। इस मूवी के लीड कास्ट में विक्टर बनर्जी, शर्मिला टैगोर, शबाना आजमी और सुधीर शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1995 में इनकी अगली मूवी आई जीना नहीं बिन तेरे। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रसन्नजीत चटर्जी, बीना बनर्जी, शफी इनामदार और आलोक नाथ शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में इनकी अगली मूवी आई दो राहें। इस मूवी के लीड कास्ट में कमलजीत, मीनाक्षी शोशाद्री, मिलिंद गुनाजी और शिवा रिदानी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2019 में इनकी अगली मूवी आई फिर उसी मोड़ पर। इस मूवी के लीड कास्ट में परमजीत सेठी, दीपिका अमीन, कमलजीत, राजीव वर्मा और अरुण बाली शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको लेक टंडन की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। लेक टंडन की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।